जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद, कौन सा ग्राम पंचायत है आपका? खरिका मासूमपुर। खरिका मासूमपुर। ये मुझे बताइए कि आपकी वो पत्नी थी जो भागी है, हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं, हाँ। कब ये घटना हुई? ये कल 20 तारीख का भाई। अच्छा, 20 तारीख को हुआ, हाँ। और जो आदमी भगा के ले गया है, हाँ, वो कौन है? ललित राम, मामा का लड़का। अच्छा, आपके वो मामा का लड़का है? वो हुआ है भतीजा दहेजी रिपोर्ट। अच्छा अच्छा, हाँ भतीजा वो मतलब आता जाता था कैसे, क्या? नहीं सुनिए मेरी, कब से आ जा रहा था? आवत जा रहा, हम बुआ रहे हैं, हमारे फुफा रहे हैं, तब आवत जा रहा, तब अभी हम नहीं जाने ना, हम रोई काल नहीं हुआ। तीन बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। मामला जनपद बलरामपुर के थाना सादुल्ला नगर के ग्राम खरिका मासूमपुर का है। सुदामा प्रसाद की पत्नी रेखा, जो तीन बच्चों की मां थी, दो बच्चों को लेकर फरार हो गई। खरिका मासूमपुर निवासी सुदामा ने बताया कि मेरी पत्नी रेखा मेरे मामा के लड़के ललित राम पुत्र चित्ते निवासी ग्राम रेडवलिया पेहर जो बलरामपुर में पड़ता है उसके साथ भाग गई है, जिससे मैं और मेरा परिवार काफी परेशान है। सुदामा ने यह भी बताया कि मेरी पत्नी 25,400 रुपये नगद एवं 30,000 रुपये के जेवर को भी लेकर चली गई है, जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। सुदामा की मां ने बताया कि ललित राम मेरा भतीजा है जो मेरे घर काफ़ी दिनों से आता जाता था, लेकिन हम लोगों को कोई खौफ नहीं था कि मेरा भतीजा इस तरह का कार्य करेगा। इस मामले में हमारे संवाददाता कुतुबुद्दीन सिद्दीकी संबंधित थाने पर मौजूद हैं। आइए दिखाते हैं पीड़ित से उनकी बातचीत। पूरी फैमिली हमारे पास ये देख सकते हैं कि किस तरह से खड़ी हुई है, और पूरी जानकारी हम इन जो महिला है उसके हस्बैंड से लेंगे कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद, कौन सा ग्राम पंचायत है आपका? खरिका मासूमपुर। खरिका मासूमपुर। ये मुझे बताइए कि आपकी वो पत्नी थी जो भागी है, हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? तीन बच्चे हैं। तीन बच्चे हैं, हाँ। कब ये घटना हुई? ये कल 20 तारीख का भाई। अच्छा, 20 तारीख को हुआ, हाँ। और जो आदमी भगा के ले गया है, हाँ, वो कौन है? ललित राम, मामा का लड़का। अच्छा, आपके वो मामा का लड़का है। तो क्या आप घर पे नहीं रहते थे? नहीं, साल गए रहे हम, साल से आन है, हाँ। मुहर्रम में शादी भाई है, 22-23 साल हो गए। 22-23 साल हुई, हाँ। और वो आदमी कब आता जाता था? आदमी आता जाता था करीबन 15-20 साल। अच्छा, अब आई रही बैसाख में, चली गई थी, फिर आई ही तो उन्हें श्री लिया गए जी, और फिर यहाँ बीच में मुहर्रम के बीच में ये दुई वाकिया हो गए भागे को का। तो क्या क्या लेकर वो भागी? वो सामान लेके भागी है, जैसे कि मतलब जेवर वो ले गई है, हाँ। रुपया पैसा ले गई जी, कपड़ा भी ले गई, हाँ। बच्चन का ले गई जी। तो बच्चे कितनी उम्र होगी लगभग? लगभग छोटा वाला बच्चा 10 साल का है, बड़ा वाला 12-12 साल का है, और 7-8 साल का बिटिया ही। क्या नाम था आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का रेखा देवी। ये मुझे बताइए, कौन आपकी भाभी हैं? हाँ, हमारी भाभी हैं। क्या हकीकत है बताइए? इसमें हकीकत है, हम जब से अपने घर आवा जाए लागे, हाँ। तब से मतलब हम जब देखे ना। आपकी शादी कब हुई थी? हमारी शादी तो 18-18 साल हुई है, लेकिन आवाज जात 12 साल हो गए। फिर उसके बाद में जब हम आवा जाए लागे तो हम एक बार देखे तो अपने हमारे बाप नहीं रहे, बुआ रही, बुआ से बताए, बुआ बोलिन इनके नैहरे गई, नैहरे से इनके माई दादा कुछ नहीं बोले। तो आपके मामा का लड़का था? हाँ, हमारे मामा लड़का है। कहाँ का रहने वाला है वो? पीहर। पीहर का। अच्छा, पिया, हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? गीता देवी। आपकी वो पतो थी? क्या नाम पड़ेगा आपका? थोड़ा देर। अच्छा, क्या लेकर गई आपका सरो सामान? हमारा चीज ले गई, हमारे रुपए पैसा उठाए लगे, गाड़ी दहीन हम एको कर्म नहीं राखी। तो जो आदमी भगा कर ले गया है, हाँ, आपकी बहू को, हाँ, तो वो कब आता जाता था? वो हुआ है भतीजा दहेजी रिपोर्ट। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। भतीजा वो मतलब आता जाता था कैसे, क्या? नहीं सुनिए मेरी, कब से आ जा रहा था? आवत जा रहा, हम बुआ रहे हैं, हमारे फुफा रहे हैं, तब आवत जा रहा, तब अभी हम नहीं जाने ना, हम रोई काल नहीं हुआ। यही सा हम करी गए, चूक गए भैया, और वही दिन आ गई दवाई, कहीं हम दवाई जाए था बहाना कही गए, तो वह भाग के गई है। नकदी कितना ले गई? 30,000 कम नहीं ले गए हैं भैया जी, हाँ। दादा, आप पड़ोसी हैं, आपने देखा होगा कि वो आदमी जो है जब घर पे आता होगा तो रात में रुकता भी होगा। हाँ, रात में रुकत रहा। क्या है पूरी सही? आवत रहा, रात में राहत रहा, बराबर इनका सबका देखत रहे ना, घरे उठत बैठत रहा, और गई है तब नहीं देख पाए कि कहाँ गई। जी जी, हाँ। तो यानी कितना माल ले गई हो? 30,000 रुपया नगद लेके गई है, 10 जेवर होकर रहा, 1 सोना रहा, और कुल वो रहा जी जी चांदी। तो
बहुत सारी चीज़ें इस मामले से जुड़ी हुई है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। ये मुझे बताइए कि आपने FIR वगैरह कुछ थाने पर दिया? हाँ जी दिया दिया। हाँ तो दरोगा जी ने क्या कहा? दरोगा जी ने अभी कुछ नहीं बोला कि बैठो अभी बताते हैं जी। बाबड़ मिलना पड़ेगा। थाना सादुल्ला नगर के SHO ने तहरीर तो ले ली है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम इस पर एक्शन। इस मामले में थाना सादुल्ला नगर में तहरीर दी गई है, लेकिन पुलिस महकमा इस पर कितना जल्दी एक्शन लेता है यह देखना बाकी है। तो ये थी इंडिया टाइम्स के लिए बलरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।